दोस्तों इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड T20I सीरीज स्टार्ट होने वाली है और पिछले हम कुछ सीरीज से देख रहे हैं इंडिया T20I में जो पुराने प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, इन प्लेयर्स को टीम में जगह नहीं दे रहा है, तो इंडिया फिर से यंग ब्रिगेड के साथ उतरने वाली है मैदान में। तो आइए एक नजर डालते हैं इंडिया के स्क्वाड पे। तो इंडिया के जो स्क्वाड है इसके कैप्टन है हार्दिक पांड्या, वाइस कैप्टन है सूर्य कुमार यादव। इसके अलावा विकेट कीपर्स में आपको ईशान किशन और जितेश शर्मा देखने को मिल जाएंगे। संजू सैमसन यहाँ पे नहीं है, उनकी जगह पे जितेश शर्मा को जगह मिली है क्योंकि वो इंजर्ड है संजू सैमसन, तो इस वजह से जितेश शर्मा को ऐड किया गया है स्क्वाड में। उसके अलावा बैट्समैन में आपको गायकवाड़, गिल, हुडा, त्रिपाठी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर है, यहाँ पे अक्षर पटेल नहीं है, पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने ऑफ लिया हुआ है तो वो फिलहाल अवेलेबल नहीं थे सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा कुलदीप यादव को T20Is में जगह मिली है, इससे पहले कुलदीप यादव नहीं थे T20Is में। युजवेंदर चहल हैं। वहीं अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पे अर्शदीप सिंह हैं, उमरान मलिक हैं, शिवम माबी हैं, उनके अलावा मुकेश कुमार हैं। और इंडिया ने एक और बैट्समैन यहाँ पे ऐड किया है, वो है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ को इंडिया ने इस सीरीज के लिए ऐड किया है, इससे पहले पृथ्वी शॉ काफी समय से इंडियन स्क्वाड से बाहर चल रहे थे। तो ये ओवरऑल इंडिया का स्क्वाड है, इसमें इंडिया के जो फ्रंट लाइन प्लेयर्स हुआ करते थे इससे पहले वो नहीं है। इंडिया यंग ब्रिगेड के साथ T20s में फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो चलिए इंडिया की प्लेइंग 11 पे एक नजर डालते हैं। इंडिया प्लेइंग 11 क्या उतार सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में। तो ओपन करते हुए आपको सुमन गिल और ईशान किशन नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सुमन गिल अभी ODIs में डबल सेंचुरी भी लगाई है उन्होंने इसी ODI सीरीज में। इसके अलावा ईशान किशन भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, तो ये दोनों आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। तीन नंबर पर राहुल त्रिपाठी ने श्रीलंका के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली थी, तो वो जरूर यहाँ पे तीन नंबर पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चार नंबर पे स्काई विदाउट एनी डाउट 360 डिग्री एक अलग इंटेंट लेके आते हैं, उनका इंपैक्ट मैच में बहुत ही तगड़ा रहता है और इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव। पांच नंबर पे आपको कैप्टन हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, छह नंबर पे आपको दीपक हुडा नजर आएंगे और सात नंबर पे यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर नजर आएंगे क्योंकि यहाँ पे अक्षर पटेल अवेलेबल नहीं है, तो वॉशिंगटन सुंदर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा शिवम माबी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं तो वो आठ नंबर पे दिखेंगे और उनकी पिछली T20I सीरीज अच्छी ही रही थी, तो उनको जगह मिलना जरूरी है। इसके अलावा उमरान मलिक देखने को मिलेंगे, अर्शदीप सिंह और युजवेंदर चहल, यहाँ पे चहल की जगह पे हो सकता है कुलदीप यादव भी देखने को मिल जाए, लेकिन शायद चहल T20Is में थोड़ा अच्छा ही कर रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस देगी इंडियन टीम, तो चहल ही देखने को मिल सकते हैं आपको, लेकिन कुलदीप भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है अगर कुलदीप को जगह मिलती है तो। तो ये है इंडिया की ओवरऑल प्लेइंग 11 जो T20Is में न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 इंडिया की कैसी रहेगी, कौन से प्लेयर्स को जगह मिल सकती है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।